हमारा पिछला टॉपिक था रीजन एंड द नेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर। यू मे हैव रेड अबाउट द वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। जो भी हिंसा है या जो भी हिंसा हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में होती आ रही है उसके बारे में आपने पहले ही सुना है। दिस हैज रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ मेनी लाइव्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेनी फैमिलीज। नतीजन बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे परिवारों को वहां से हटना पड़ा। द कश्मीर इशू इज ऑलवेज सीन एज अ मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर का ये जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द स्टेट हैज मेनी डायमेंशंस। पर जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं स्टेट के अंदर उसके भी बहुत सारे पहलू हैं। जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस थ्री सोशल एंड पॉलिटिकल रीजंस, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू और कश्मीर में जो है मेनली तीन सोशल और पॉलिटिकल रीजंस हैं। एक है जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख। द हार्ट ऑफ द कश्मीर रीजन इज द कश्मीर वैली। जो मेन कश्मीर क्षेत्र का सेंटर पोर्शन माना जाता है वो है कश्मीर घाटी। द पीपल आर कश्मीरी स्पीकिंग एंड मोस्टली मुस्लिम विद स्मॉल कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है कश्मीरी भाषा बोलते हैं, मोस्टली मुस्लिम्स हैं और बहुत ही कम ऐसी कश्मीरी लोगों की मेजोरिटी है, माइनॉरिटी है जो हिंदू हैं। जम्मू रीजन इज अ मिक्स ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन्स। जम्मू का ये क्षेत्र जो है वहां पर पहाड़ के और प्लेन्स दोनों के ही लोग रहते हैं ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मतलब एक तरह से जम्मू का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका भी माना जाता है, मैदानी इलाका भी माना जाता है। दूसरा और हिंदूज मुस्लिम्स एंड सिख्स स्पीकर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। यहाँ पर हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, सिख्स भी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। द लद्दाख रीजन इज माउंटेनियस, हैज वेरी लिटिल पॉपुलेशन विच इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। लद्दाख का जो क्षेत्र है वो एक तरह से पहाड़ी इलाका है और वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो एक तरह से लगभग बराबर ही है बुद्धिस्ट की और मुस्लिम्स की। द कश्मीर इशू इज नॉट जस्ट अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो कश्मीर का मुद्दा है ये खाली इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ही मुद्दा नहीं है, झगड़ा नहीं है। दिस इशू हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशंस। इसके बाहरी तौर पे या अंदरूनी तौर पे भी बहुत सारे इस मुद्दे के पहलू हैं। इट इन्वॉल्व्स द इशू ऑफ कश्मीरी आइडेंटिटी नोन एज कश्मीरियत एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। इसमें क्या क्या शामिल है? एक वो मुद्दा कि कश्मीरी पहचान होनी चाहिए जिसको कश्मीरियत बोला जाए, साथ ही साथ जो वहाँ के लोग हैं उनकी आकांक्षाएं हैं जम्मू एंड कश्मीर की कि उनको जो है राजनीतिक तौर पे उनको जो है ऑटोनॉमी दी जाए, यानी खुद राज्य करने का अधिकार दिया जाए। रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट। 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य जो है वो एक प्रिंसली स्टेट था, यानी वहां पर अपने अलग राजा थे। इट्स हिंदू रूलर हरी सिंह डिड नॉट वॉन्ट टू मर्ज विद इंडिया एंड ट्राई टू नेगोशिएट विद इंडिया एंड पाकिस्तान टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हिज स्टेट। वहाँ के जो हिंदू रूलर थे हरी सिंह, वो ना इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे और वो जो है ज्यादातर कोशिश ये कर रहे थे कि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो दोनों के साथ नेगोशिएशन हो जाए कि उनका जो है एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल जाए स्टेट को। द पाकिस्तानी लीडर्स थॉट द कश्मीरी रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान सिंस मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज मुस्लिम। अब पाकिस्तान के जो लीडर थे उनका ये मानना था कि कश्मीर का ये क्षेत्र है ये पाकिस्तान को बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ की जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की वो मुस्लिम है। बट दिस इज नॉट हाउ द पीपल themselves saw it. They thought of themselves as Kashmiris as above all. पर ऐसा नहीं है कि अब यहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को इस तरह से देखते थे, वो अपने बारे में सोचते थे कि हम जो है सबसे पहले कश्मीरी हैं। The popular movement in the state, led by Sheikh Abdullah of the National Conference, wanted to get rid of the Maharaja, but was against joining Pakistan. एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है स्टेट में चलाया गया जिसको शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे उनने चलाया और वो महाराजा से एक तरह से छुटकारा पाना चाहते थे लेकिन पाकिस्तान जाने के खिलाफ थे। द नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज अ सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द कांग्रेस। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी अपने आप में एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी और ये काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। शेख अब्दुल्ला वॉज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू।
शेख अब्दुल्ला जो थे, ये एक तरह से इनकी पर्सनल तौर पे भी काफी ज्यादा क्लोजनेस थी, फ्रेंडशिप थी, जो लीडिंग नेशनलिस्ट माने जाते हैं, लीडर्स हमारे यहाँ के, जिसमें नेहरू जी भी शामिल हैं। इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर। अब 1947 अक्टूबर में पाकिस्तान ने अपने यहाँ के कुछ जो आदिवासी इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, वो अपनी साइड से यहाँ भेजे ताकि कश्मीर पर कब्जा किया जा सके। दिस फोर्स द महाराजा टू आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प, और इसकी वजह से मजबूर होकर महाराजा को इंडियन मिलिट्री से मदद मांगनी पड़ी। इंडिया एक्सटेंडेड द मिलिट्री सपोर्ट एंड ड्रॉ बैक द इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम कश्मीर वैली, बट ओनली आफ्टर द महाराजा हैड साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया ने अपना खाली मिलिट्री सपोर्ट ही नहीं दिया, बल्कि जो घुसपैठिए थे उनको कश्मीर वैली से वापस भी खदेड़ दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो है महाराजा से कहा कि आपको जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। जब महाराजा ने वो कर दिया, उसके बाद ही उन्होंने जो है वहां से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट वंस द सिचुएशन नॉर्मलाइज द व्यूज ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी असर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर। इस बात पर भी सहमति हुई कि एक बार जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो जो लोग होंगे वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर की, उनसे भी जो है उनकी भी राय जो है निर्धारित की जाएगी इनके भविष्य को लेकर। शेख अब्दुल्ला टुक ओवर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब शेख अब्दुल्ला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसकी गवर्नमेंट के। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट वॉज देन कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। उस समय जो है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते थे स्टेट के अंदर, उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। इन मार्च 1948, और ये जो है बात मार्च 1948 की है, इंडिया एग्रीड टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इंडिया ने जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करने के लिए हामी भर दी, यानी कि वो सहमत थी। द्रविड़ियन मूवमेंट वडाकू वाजी करतु तेरकू तेई किरतु द नॉर्थ थ्राइव्स इवन एज द साउथ डिकेज। ये जो एक स्लोगन था कि नॉर्थ जो है वो तो पनप रहा है पर साउथ जो है वो डिके हो रहा है। दिस पॉपुलर स्लोगन सम्स अप द डोमिनेंट सेंटीमेंट्स ऑफ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इफेक्टिव रीजनल मूवमेंट्स द ड्रविडियन मूवमेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय ऐसा था कि अब ये जो ड्रविडियन मूवमेंट था, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव रीजनल मूवमेंट माना जाता है, इसका ये जो नारा था ये काफी ज्यादा लोगों के जैसे सेंटीमेंट्स जो है इससे जुड़े हुए थे। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रीजनल मूवमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। पहला अपने आप में ये क्षेत्रीय आंदोलन था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। दो सम सेक्शंस ऑफ दिस मूवमेंट हैड एम्बिशंस ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रविड नेशन, द मूवमेंट डिड नॉट टेक टू आर्म्स। इसमें बहुत से ऐसे भी लोग थे मूवमेंट के अंदर, कुछ सेक्शंस ऐसे भी थे जिनको ये था कि हम जो है एक ड्रविड नेशन अलग बना लें, लेकिन तब भी मूवमेंट जो था ऐसा नहीं था कि उसमें लोगों ने हथियार उठा लिए। इट यूज डेमोक्रेटिक मीन्स लाइक पब्लिक डिबेट्स एंड इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म टू अचीव इट्स एंड। इन्होंने पूरी तरह से लोकतंत्र का सहारा लिया, डिबेट्स करी, क्या कहते हैं इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया ताकि अपनी जो एस्पिरेशंस है उनको पूरा किया जा सके। दिस स्ट्रेटजी पेड ऑफ एज द मूवमेंट एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर इन द स्टेट एंड ऑल्सो बिकम इन्फ्लुएंशियल एट द स्टेट नेशनल लेवल। अब इनकी ये जो नीति थी, रणनीति, इसने वाकई में कारगर काम किया कि जो मूवमेंट था उसको पॉलिटिकल पावर मिली स्टेट में, साथ ही साथ काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशील बना नेशनल लेवल पे। द ड्रविडियन मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द्रविड़ कजगम अंडर द लीडरशिप ऑफ तमिल सोशल रिफॉर्मर ईवी रामासामी पेरियार। अब ये जो ड्रविडियन मूवमेंट था इसने जो है फॉर्मेशन किसका किया, किस पार्टी का, डीके का, यानी कि द्रविड़ कड़गम का, और इसके लीडर थे तमिल के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर ईवी रामासामी पेरियार। The organization strongly opposed the Brahmins' dominance and affirmed regional pride against the political, economic and cultural domination of the North. ये जो organization थी ये पूरी तरह से विरोध कर रही थी जो ब्राह्मण का dominance था उसको लेकर, दूसरा कि अपनी जो उनकी क्षेत्रीय तौर पे जो उनकी pride है उसको वो एक तरह से बचाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थी जो भी political, economic या cultural domination North का था उसके against। Initially, the Dravidian movement spoke in terms of the whole of South India. However, the lack of support from the other states limited the movement to Tamil Nadu. शुरुआत में ये जो Dravidian movement था ये पूरी तरह से पूरे South India की एक तरह से आवाज थी, लेकिन क्योंकि और स्टेट से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया इसीलिए ये मूवमेंट जो है सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रह गया। The DK split and the political legacy of the movement was transferred to Dravid Munnetra Kazhagam.
अब ये जो डीके थी ये स्प्लिट हो गई, टूट गई, और जो पॉलिटिकली इनकी जो एक लेगेसी विरासत जो है मूवमेंट की, वो अब किसके पास शिफ्ट हो गई थी? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की, यानी डीएमके की। द डीएमके मेड इट्स एंट्री इनटू द पॉलिटिक्स विद थ्री प्रॉन्ग एजिटेशन इन 1953-54। अब ये जो डीएमके थी इसने भी अपनी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे करी? तीन इनकी जो है प्रमुख मांगे थी 1953-54 में। फर्स्ट, इट डिमांडेड द रेस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ कल्लाकुडी रेलवे स्टेशन विच हैड बीन रीनेम्ड डालमियापुरम आफ्टर द इंडस्ट्रियल हाउस फ्रॉम द नॉर्थ। इनकी पहली डिमांड ये थी कि दोबारा जो है कल्लाकुडी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम यही रखा जाए, जिसका नाम बदल के डालमियापुरम कर दिया गया है एक इंडस्ट्रियल हाउस के नाम पर नॉर्थ से। दिस डिमांड ब्रॉट आउट इट्स अपोजिशन टू द नॉर्थ इंडियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिम्बल्स। इस डिमांड से ये समझ में आया कि जो नॉर्थ इंडियन इकोनॉमिक या कल्चरल सिम्बल्स हैं उनका एक तरह से यहाँ पर विरोध हो रहा है। द सेकेंड एजिटेशन वॉज फॉर गिविंग तमिल कल्चरल हिस्ट्री अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस इन स्कूल करिकुलम। दूसरा एजिटेशन इस चीज़ को लेकर था कि जो तमिल कल्चरल हिस्ट्री है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है स्कूल करिकुलम में। द थर्ड एजिटेशन वॉज अगेंस्ट द क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच इट एलिड वॉज लिंक टू द ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक। तीसरा एजिटेशन जो था वो इनकी क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम को लेकर था जो कि स्टेट गवर्नमेंट की थी, जिसको वो जोड़ रहे थे कि ब्राह्मणिकल जिस तरह का सोशल आउटलुक है उससे ये इसका काफ़ी हद तक क्राफ्ट एजुकेशन का जुड़ाव दिखता है। इट ऑल्सो एजिटेटेड अगेंस्ट मेकिंग हिंदी द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने जो है इसका भी विरोध किया कि हिंदी को कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाया जाए। द सक्सेस ऑफ द एंटी हिंदी एजिटेशन ऑफ 1965 एडेड टू द डीएमके'स पॉपुलैरिटी। और ये जो इनको एंटी हिंदी एजिटेशन था, इनका एक विरोध था 1965 का, इसकी जो सफलता मिली इससे जो है डीएमके की जो पार्टी है वो और ज्यादा पॉपुलर हो गई। सस्टेन्ड पॉलिटिकल एजिटेशंस ब्रॉट द डीएमके टू पावर इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ 1967। अब ये जो लगातार पॉलिटिकल एजिटेशंस हो रही थी इसकी वजह से जो डीएमके है वो पावर में आ गई असेंबली इलेक्शंस के अंदर 1967 में। सिंस देन द ड्रविडियन पार्टीज हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। उसके बाद से जो है ये ड्रविडियन पार्टी थी जो है मोस्टली यही ज़्यादा इनकी एक तरह से पावर है पॉलिटिक्स में तमिलनाडु के अंदर। दो द डीएमके स्प्लिट आफ्टर द डेथ ऑफ इज लीडर सी अन्नादुरई द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रविडियन पार्टीज इन तमिल पॉलिटिक्स एक्चुअली इंक्रीज। अब कहने को डीएमके जो है वो उनके जो लीडर थे उनके सी अन्नादुरई उनकी डेथ के बाद एक तरह से टूट गई, लेकिन तब भी ये जो ड्रविडियन पार्टीज की एक प्रभाव है वो तमिल पॉलिटिक्स में वो और ज़्यादा बढ़ गया है। आफ्टर द स्प्लिट देयर वर टू पार्टीज द डीएमके एंड द ऑल इंडिया अन्ना डीएमके। अब जब पार्टी टूट गई तो दो पार्टीज बन गई, एक डीएमके बनी एक AIADMK बनी यानी ऑल इंडिया अन्ना DMK दैट क्लेम ड्रविडियन लेगेसी। दोनों ही जो है ड्रविडियन विरासत को क्लेम कर रही थी। बोथ दीज पार्टीज हैव डोमिनेटेड पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु फॉर द लास्ट 4 decades। तो पिछले 40 सालों से सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों पार्टीज ने पॉलिटिक्स जो है तमिलनाडु की उसमें अपना इनका डोमिनेशन है। सिंस 1996 वन ऑफ दीज पार्टीज हैज बीन अ पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिएशन एट द सेंटर। 1996 से एक इनमें से जो पार्टी है वो जो सेंटर में कोलिएशन गवर्नमेंट है रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसका एक तरह से हिस्सा थी। इन द 1990s मैनी अदर ड्रविडियन पार्टीज हैव इमर्ज। अब 1990 के बाद से बहुत सारी और ड्रविडियन पार्टीज आ गई हैं। दीज इंक्लूड मरुमलचिची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम MDMK, एक है पटाली मक्कल काची PMK और एक है देसिया मोरुपक्कू द्रविड़ कड़गम DMDK। इस तरह से और ज़्यादा पार्टियाँ जो है ड्रविड़ की आ गई हैं। ऑल दीज पार्टीज हैव केप्ट अलाइव द इशू ऑफ रीजनल प्राइड इन द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। हर एक पार्टी जो है वो रीजनल प्राइड का जो मुद्दा है क्षेत्रीय तौर पे जो हमें अपने उसका गर्व है उसको जो है उस मुद्दे को पूरी तरह से उठाए हुए है जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की उसके अंदर। इनिशियली सीन एज अ थ्रेट टू इंडियन नेशनलिज्म रीजनल पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द कंपैटिबिलिटी ऑफ रीजनलिज्म एंड नेशनलिज्म। शुरुआत में इंडियन नेशनलिज्म के जो एक थ्रेट की फॉर्म में देखा जाता था वहीं जो रीजनल पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंपैटिबिलिटी का क्षेत्रीय उस पर और राष्ट्रीय उस पर दोनों के लिए। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स। सिंस देन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑलवेज रिमेन कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन बोथ फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन्स।
तब से जम्मू और कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रही और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहा, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल कारण रहे हो उनकी वजह से। एक्सटर्नली पाकिस्तान हैज ऑलवेज क्लेम दैट कश्मीर वैली शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बाहरी तौर पे कहें तो जो पाकिस्तान है वो हमेशा ये क्लेम करता रहता है कि जो कश्मीर घाटी है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। एज वी नोटेड अबव, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अ ट्राइबल इन्वेजन ऑफ द स्टेट इन 1947, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच वन पार्ट ऑफ द स्टेट केम अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल। जैसे हमने अभी पहले भी देखा था कि पाकिस्तान ने किस तरीके से 1947 में ट्राइबल इन्वेजन करा स्टेट की, जो है उस स्टेट के लिए। नतीजा क्या हुआ, एक पार्ट जो स्टेट का था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। इंडिया क्लेम्स दैट दिस एरिया इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन। अब इंडिया ये दावा कर रहा है कि उसने जो है गलत तरीके से इस एरिया को हथिया लिया है। पाकिस्तान डिस्क्राइब्स दिस एरिया एज आजाद कश्मीर, और पाकिस्तान कहता है ये इलाका आजाद कश्मीर है। एवर सिंस 1947 कश्मीर हैज रिमेन अ मेजर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 1947 से एक तरह से कह लो कश्मीर जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहा है मतभेद का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंटरनली देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन द इंडियन यूनियन। अगर हम अंदरूनी तौर पे कहें तो हमेशा एक जो है डिस्प्यूट कहना चाहिए, जो फिर वही मतभेद है, लड़ाई झगड़े का कारण जो है कश्मीर का स्टेटस रहा है इंडियन यूनियन के अंदर। यू नो दैट कश्मीर वॉज गिवन अ स्पेशल स्टेटस बाय आर्टिकल 370 इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कश्मीर को जो है एक खास तौर पे दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यू हैव स्टडीड अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 370 एंड 371 लास्ट ईयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। अभी पिछले साल आपने जो है खास प्रावधान जो आर्टिकल 370 और 371 के अंडर किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट वर्क में, वो जो चीज है आपने पढ़ी थी। आर्टिकल 370 गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर कंपेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब जो आर्टिकल 370 है उसके अनुसार जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है उसको जो है ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है बाकी और स्टेट्स के मुकाबले जो इंडिया में है। द स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उस स्टेट का अपना ही संविधान है। ऑल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट। जो भी प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो सबके साथ स्टेट पर लागू नहीं होते। लॉज पास बाय द पार्लियामेंट अप्लाई टू जे एंड के ओनली इफ द स्टेट एग्रीज। जो भी कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर तब लागू होते हैं जब वहां का स्टेट एग्री करता है। तो दिस स्पेशल स्टेटस हैज प्रोवोक्ड टू अपोजिट रिएक्शंस। इस खास स्टेटस की वजह से दो बहुत ही अपोजिट रिएक्शंस जो हैं वो एक तरह से उत्पन्न हो रहे थे। देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट बिलीव्स that the state, special status of the state conferred by Article 370 does not allow full integration of the state within India. एक सेक्शन जो है लोगों का जो जम्मू कश्मीर के बाहर का था, उनका ये मानना था कि ये जो स्पेशल स्टेटस स्टेट को मिला हुआ है आर्टिकल 370 की वजह से, इससे ये जो स्टेट है ये इंडिया के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। This section feels that Article 370 should therefore be revoked and Jammu and Kashmir should be like any other state in India. इस सेक्शन का ये मानना था कि आर्टिकल 370 जो है इसलिए हटा देना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर जो है बाकी और स्टेट्स के जैसे ही इंडिया का एक स्टेट हो। अनदर सेक्शन मोस्टली कश्मीरीज बिलीव दैट द ऑटोनॉमी कंफर्ड बाय आर्टिकल 370 इज नॉट इनफ। अब एक सेक्शन जो है जो ज्यादातर कश्मीरीज का था, वो ये मानते थे कि ये जो हमें स्वतंत्रता मिली है एक ऑटोनॉमी के, हम अपने स्टेट में खुद रूल कर सकते हैं, ये आर्टिकल 370 से जो दी गई है ये काफी नहीं है। A section of Kashmiris have expressed at least three major grievances. एक सेक्शन जो कश्मीरी का था उसने कहा, उनको जो है एक तरह से तीन बड़ी बड़ी शिकायतें थी। First, the promise that accession would be referred to the people of the state after the situation created by tribal invasion was normalized has not been fulfilled. उन्होंने कहा एक जो प्रॉमिस था एक्सेशन का, जिसको कि वो रेफर करके बता रहे हैं लोगों के जो स्टेट के हैं, कि सिचुएशन जो क्रिएट करी गई थी ट्राइबल इन्वेजन के द्वारा वो नॉर्मलाइज भी हो गई, तब भी उसको पूरा नहीं किया गया। दिस हैज जनरेटेड द डिमांड फॉर प्लेबिसाइट। इससे जो है एक डिमांड उठने लग गई जनमत संग्रह की।
Secondly, there is a feeling that the special federal status guaranteed by Article 370 has been eroded in practice. दूसरा उन्होंने ये कहने लग गए कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो एक हमें खास तौर पे दर्जा दिया हुआ है आर्टिकल 370 की वजह से वो जो है प्रैक्टिस में उतना ज्यादा फॉलो नहीं हो रहा. दिस हैज लेड टू डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी और ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी. अब इससे एक डिमांड उठने लगे कि दोबारा से ऑटोनॉमी की स्थापना करी जाए और बहाल करी जाए या और ज्यादा स्टेट को ऑटोनॉमी दी जाए. थर्डली इट इज फेल्ट दैट डेमोक्रेसी विच इज प्रैक्टिस्ड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तीसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र को जो है पूरे भारत जो देश है उसके अंदर बाकी बचे हुए देश में प्रैक्टिस किया जाता है उस तरीके से सेम वैसा हमारे यहाँ जम्मू और कश्मीर में जो है नहीं करा जा रहा है. पॉलिटिक्स सिंस 1948. आफ्टर टेकिंग ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर पॉलिसीज विच बेनिफिटेड ऑर्डिनरी पीपल. अब जब शेख अब्दुल्ला जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे लैंड रिफॉर्म्स किए, बदलाव किए जमीन में और नीतियों में जिससे कि साधारण लोगों को फायदा हो. बट देयर वॉज अ ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट हिज पोजिशन ऑन कश्मीर स्टेटस. लेकिन उनकी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है एक तरह से डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा था जिस तरह से उनकी कश्मीर के स्टेटस जो है उसके अंदर उनकी पोजीशन थी. He was dismissed in 1953 and kept in detention for a number of years. उनको जो है 1953 में डिसमिस कर दिया गया और डिटेंशन में लगभग कई सालों तक के लिए रखा गया. The leadership that succeeded him did not enjoy as much popular support and was able to rule the state mainly due to the support of the center. अब जो लीडरशिप उनके बाद आई उसको उतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया और वो स्टेट में तब बस उतनी वजह से रूल कर पा रही थी क्योंकि उसको सेंटर का सपोर्ट मिला हुआ था. There were serious allegations of malpractices and rigging in various elections. बहुत ज्यादा जो है जो आक्षेप लगाए जा रहे थे कि गलत तरीके से या जो है इलेक्शंस में जो है वो हेरा फेरी की गई है. During most of the period between 1953 and 1974, the Congress party exercised a lot of influence on the politics of the state. जो 1953 से 74 तक का पीरियड रहा उसमें कांग्रेस पार्टी के जो है बहुत ज्यादा प्रभाव रहा जो भी स्टेट पॉलिटिक्स थी उसके अंदर. Truncated National Conference minus Sheikh Abdullah remained in power with the active support of Congress for some time, but later it merged with the Congress. शुरू में तो जो है ये National Conference थी क्योंकि Sheikh Abdullah तो उसमें थे नहीं, लेकिन वो power में तो रही, उसमें Congress का support भी मिलता रहा, लेकिन बाद में फिर वो Congress में ही merge हो गई. Thus the Congress gained direct control over the government in the state. अब एक तरह से कांग्रेस का डायरेक्ट कंट्रोल था गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट थी वहां पर उस स्टेट के अंदर, तो कांग्रेस का डायरेक्ट कंट्रोल था. इन द मीन वेल देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इतने बीच में जो है बहुत सारी ऐसी कोशिशें की गई कि एक एग्रीमेंट पर पहुंचा जाए जो शेख अब्दुल्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हो सके, मतलब कहीं तो सहमति बने. Finally, in 1974, Indira Gandhi reached an agreement with Sheikh Abdullah and he became the chief minister of the state. So, 1974 में इंदिरा गांधी की एक तरह से कुछ सहमति बनी शेख अब्दुल्ला के साथ और finally फिर वो chief minister बने state के. He revived the national conference which was elected with the majority in the assembly elections held in 1977. अब उन्होंने फिर दोबारा national conference को जो है पार्टी को जिंदा किया और जो वो जो है जो इलेक्शंस हुए असेंबली इलेक्शंस 1977 में तो वो जो है मेजॉरिटी से जीत गए. शेख अब्दुल्ला डाइड इन 1982 एंड द लीडरशिप ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस वेंट टू हिज सन. अब शेख अब्दुल्ला की तो डेथ हो गई 1982 में, पर उनकी जो लीडरशिप थी अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसके हाथ में चली गई, उनके लड़के के फारूक अब्दुल्ला हु बिकम द चीफ मिनिस्टर. फिर वो जो है चीफ मिनिस्टर बन गए. बट ही वॉज सून डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एंड अ ब्रेक अवे फैक्शन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस came to a power for a brief period. लेकिन उनको जो है बहुत जल्द ही डिसमिस कर दिया गया गवर्नर के द्वारा और फिर इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो बहुत ही छोटे समय के लिए जो है कम समय के लिए पावर में आई थी. द डिसमिसल ऑफ फारूक अब्दुल्लाज गवर्नमेंट ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर जनरेटेड अ फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट इन कश्मीर. अब ये जो फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को एक तरह से हटाया गया सेंटर के दखल की वजह से, इससे जो है एक आक्रोश की स्थिति जो है कश्मीर में पैदा हो गई. The confidence that Kashmiris had developed in the democratic processes after the accord between Indira Gandhi and Sheikh Abdullah received a setback.
ये जो एक लोगों को कश्मीर के भरोसा हुआ था, एक तरह की जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया डेवलप हुई थी कश्मीर में जब इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में सहमति बनी थी, उसको जो एक बहुत बड़ा झटका लगा। द फीलिंग दैट द सेंटर वॉज इंटरवीनिंग इन पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट वॉज फर्दर स्ट्रेंथन द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1986 एग्रीड टू हैव एन इलेक्टोरल अलायंस विद द कांग्रेस द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर। अब ये जो फीलिंग थी कि सेंटर जो है पॉलिटिक्स में दखल दे रहा है स्टेट के, वो और ज़्यादा हो गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1986 में इस चीज़ पर एग्री किया कि वो जो है कांग्रेस के साथ जो है एक तरह से साझा लड़ेगी और रूलिंग पार्टी जो उस टाइम पे कांग्रेस सेंटर में थी। इंसर्जेंसी एंड आफ्टर इट वॉज इन दिस एनवायरमेंट दैट द 1987 असेंबली इलेक्शन टुक प्लेस। अब इन सब माहौल के बीच में 1987 के जो असेंबली इलेक्शन थे वो हुए। The official results showed a massive victory for the National Conference, Congress Alliance, and Farooq Abdullah returned as Chief Minister. जो results आए उसमें जो है National Conference, Congress Alliance की बहुत ज़्यादा जीत हुई और फारूक अब्दुल्ला दोबारा Chief Minister बन गए। But it was widely believed that the result did not reflect popular choice and that the entire election process was rigged. पर ये बात भी मानी जा सकती कि जो election मतलब results आए थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चॉइस पे नहीं थे कि नहीं फारूक अब्दुल्ला जो या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ करी गई है। अ पॉपुलर रिसेंटमेंट हैड ऑलरेडी बीन ब्रूइंग इन द स्टेट अगेंस्ट द इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस अर्ली 1980s। अब वैसे ही सब जगहें जो है एक आक्रोश सा हो रहा था स्टेट के अंदर क्योंकि जो प्रशासन था वो इतना इफेक्टिव नहीं था 1980s की शुरुआत से। दिस वॉज नाउ ऑगमेंटेड बाय द कॉमनली प्रिवेलिंग फीलिंग दैट द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस वर बीइंग अंडरमाइंड एट द बेस्ट ऑफ द सेंटर। अब ये जो है सब लोगों के दिमाग में एक भावना आ गई थी कि जो भी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उसमें सेंटर जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, दखल दे रहा है। दिस जनरेटेड अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन कश्मीर विच बिकम सीवियर विद द राइज ऑफ इंसर्जेंसी। अब ये जो है एक तरह से पॉलिटिकल संकट कह सकते हैं कश्मीर में वो जनरेट होने लग गया और ज़्यादा सीवियर हो गया जब इंसर्जेंसी का राइज हुआ, मतलब एक तरह से विद्रोह हो गया, बगावत हो गई। बाय 1989 द स्टेट हैड कम अप इन द ग्रिप ऑफ द मिलिटेंट मूवमेंट मोबिलाइज अराउंड द कॉज ऑफ अ सेपरेट कश्मीरी नेशन। 1989 में स्टेट जो है वो काफ़ी हद तक मिलिटेंट्स के आंदोलन के अंडर आ गया था, एक ग्रिप में आ गया था और रीज़न क्या था कि सेपरेट कश्मीरी नेशन होना चाहिए। द इंसर्जेंट्स गॉट मॉरल मटेरियल एंड मटेरियल मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये जो आंदोलनकारी थे इनको मॉरल मटेरियल और मिलिट्री सपोर्ट सब पाकिस्तान से मिल रहा था। फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स द स्टेट वॉज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एंड इफेक्टिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेज। कई सालों तक ये स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर रहा और मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा और काफ़ी ज़्यादा जो है उस पर आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल था। थ्रू आउट द पीरियड फ्रॉम 1990 जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस वायलेंस एट द हैंड्स ऑफ द इंसर्जेंट्स एंड थ्रू आर्मी एक्शन। पूरा पीरियड ये जो 1990 से लेके कहा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर ने सिर्फ और सिर्फ हिंसा देखी, कभी क्या कहते हैं जो बगावत करने वाले लोग हैं उनके हाथों या फिर आर्मी एक्शन। असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट वर हेल्ड ओनली इन 1996 इन विच द नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड बाय फारूक अब्दुल्ला केम टू न्यू पावर विद द डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब असेंबली इलेक्शंस जो स्टेट में हुए वो 1996 में हुए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि फारूक अब्दुल्ला लीड कर रहे थे वो फिर पावर में आ गए और तब डिमांड थी रीजनल ऑटोनॉमी की पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस अ फेयर इलेक्शन इन 2002। अब बिल्कुल फेयर इलेक्शंस जो है वो 2002 में हुए। द नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू विन अ मेजॉरिटी एंड वाज रिप्लेस्ड बाय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड कांग्रेस कोलिएशन गवर्नमेंट। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तो मेजॉरिटी जीत नहीं पाई पर अब उनकी जगह एक और पार्टी आ गई थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP और कांग्रेस की कोलिएशन गवर्नमेंट। सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड सेपरेट पॉलिटिस्ट पॉलिटिक्स which surfaced in Kashmir from 1989 has taken different forms and is of made of various strands. अब ये जो अलगाववाद की राजनीति है जो कि कश्मीर में एक तरह से शुरू हो गई थी 1989 से, इसने अलग अलग शक्ल इख्तियार करी और कई अलग अलग कारणों से बनी थी। There is one strand of separatists who want a separate Kashmiri nation independent of India and Pakistan.
अब इसमें एक वो तबका था सेपरेटिस्ट का जो चाहता था कि कश्मीर पूरी तरह से अलग नेशन बन जाए, जिस जो इंडिया में भी ना हो और पाकिस्तान में भी ना हो। देन देर आर ग्रुप्स दैट वॉन्ट कश्मीर टू मर्ज विद पाकिस्तान। फिर इसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कश्मीर पाकिस्तान से मर्ज हो जाए। बिसाइड्स दिस देर इज थर्ड स्ट्रैंड विच वॉन्ट्स ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन। एक तीसरा तबका जो था वो ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जो है ऑटोनॉमी मिले यहाँ के लोग हैं स्टेट के उनको इंडियन यूनियन के अंदर। द आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी अट्रैक्ट्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड लद्दाख रीजन इन अ डिफरेंट वे। अब ये जो ऑटोनॉमी का आइडिया है, यानी ये जो स्वराज की एक तरह से खुद स्वयं राज किया जाए इसका ये जो विचार है, इसने जम्मू और लद्दाख के लोगों को काफी अट्रैक्ट किया, पर अलग अलग तरीकों से। दे ऑफन कंप्लेन ऑफ निगलेक्ट एंड बैकवर्डनेस। ये हमेशा शिकायत रहती है कि भाई हमारे स्टेट को इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है और काफी पिछड़ा हुआ है। देयरफॉर द डिमांड फॉर इंट्रा स्टेट ऑटोनॉमी इज एज स्ट्रॉन्ग एज द डिमांड फॉर द स्टेट ऑफ नाउ। तो एक तरह से जो डिमांड थी इंट्रा स्टेट ऑटोनॉमी की वो भी उतनी ही प्रबल थी जितनी डिमांड थी स्टेट ऑटोनॉमी की। द इनिशियल पीरियड ऑफ पॉपुलर सपोर्ट टू मिलिट्री मिलिटेंसी हैज नाउ गिवन वे टू अर्श फॉर पीस। जो एक शुरुआती दौर था पॉपुलर सपोर्ट का, पॉपुलर सपोर्ट से कहना चाहिए लेके मिलिटेंसी तक का जो शुरुआती दौर था, अब उसमें जो है ना लोग शांति चाहते थे। द सेंटर हैज स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद वेरियस सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। सेंटर जो है काफी हद तक नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था जो अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे। इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन मोस्ट ऑफ द सेपरेटिस्ट इन डायलॉग आर ट्राइंग टू री नेगोशिएट अ रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद इंडिया। एक सेपरेट नेशन जो है उसकी डिमांड की जगह ज्यादातर जो सेपरेटिस्ट थे वो बातचीत में ये कोशिश कर रहे थे कि दोबारा से नेगोशिएट किया जाए एक जो रिलेशनशिप है इंडियन स्टेट इंडिया का स्टेट के साथ। जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है एक अपने आप में लिविंग एग्जाम्पल है कि यहाँ बहुत सारा समाज रहता है और बहुत ही अलग अलग तरीके की राजनीति है। नॉट ओनली देयर आर थ्री डाइवर्सिटीज ऑफ ऑल काइंड बट देयर आर ऑल्सो डाइवर्जेंट पॉलिटिकल एस्पिरेशन। यहाँ पर आपको हर तरह की भिन्नता तो देखने को मिलेगी, पर रिलीजियस भी है, कल्चरल भी है, लिंग्विस्टिक भी है, एथनिक भी है, ट्राइबल भी है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी काफी ज्यादा अलग अलग हैं। हाउएवर डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज एंड डाइवर्जेंस ऑन वन हैंड द कंटिन्यूड सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द अदर द प्लूरल एंड द सेकुलर कल्चर ऑफ द स्टेट हैड रिमेन्ड लार्जली इंटैक्ट। कहने को एक तरफ जहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्जेंस है, वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी सिचुएशन बनी हुई है लगातार, लेकिन तब भी जो एक तरह से कहा जाए प्लूरल या सेकुलर कल्चर है इस स्टेट का वो आज भी बिल्कुल वैसा ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है पंजाब, ये करते हैं अगले।